हिमाचल प्रदेश के कई भागों में फिर बारिश बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के उच्च पर्वतीय कई भागों में 9 फरवरी को बारिश बर्फबारी की संभावना जताई है। वहीं मैदानी कुछ भागों में भी बारिश के आसार हैं। एक स्थान पर अंधड़ का भी येलो अलर्ट है। प्रदेश में 36 घंटों तक मौसम खराब बना रहेगा, जिसके बाद 10 से 12 फरवरी तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। वहीं राजधानी शिमला व आसपास भागों में मंगलवार को सुबह से मौसम साफ बना हुआ है। धूप खिलने से लोगों को ठंड से भी कुछ राहत मिली है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और बुधवार को ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। हालांकि ये विक्षोभ ज्यादा असरदार नहीं है और 24 से 36 घंटों तक ही इसका असर रहेगा। इस दौरान शिमला सहित ऊपरी क्षेत्रों में भी बर्फबारी की संभावना है। प्रदेश में 10 से 12 फरवरी तक मौसम साफ रहेगा। बर्फबारी के बाद भी प्रदेश के कई हिस्सों में दुश्वारियां कम नहीं हुई है। मंगलवार को प्रदेश में 3 नेशनल हाईवे व एक स्टेट हाईवे समेत 247 सड़कें ठप रही। हालांकि बिजली व पेयजल आपूर्ति अधिकतर प्रभावित भागों में बहाल कर दी गई है। सबसे ज्यादा सड़कें लाहौल स्पीति व शिमला जिला में प्रभावित हैं। आज शाम तक काफी संख्या में बंद सड़कें बहाल होने की उम्मीद है। वहीं फिर से प्रदेश में बर्फबारी होती है तो दुश्मनियां और बढ़ जाएंगी। विक्षोभ फिर से प्रदेश में असर करेगा कल से, लेकिन ये पश्चिम विक्षोभ जो है वो ज्यादा इंटेंसिटी का नहीं है, लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी की बर्फबारी हायर रिजेज पे होगी। और शिमला में भी संभावना है कि कल दिन में हल्का बारिश और स्नोफॉल हो सकता है, और इसका ड्यूरेशन है काफ़ी कम है, क्योंकि 24 से 36 घंटे तक इसका असर रहेगा, और उसके बाद 10 तारीख के आसपास जो है मौसम फिर से ठीक होगा, और उसके बाद 3 से 4 दिन मौसम जो है प्रदेश में ठीक रहेगा। फिर से उसके बाद आइसोलेटेड वेदर फिर हो सकता है, हायर रिजेज पे फिर से संभावना है कि हल्की बर्फबारी हो सकती है, लेकिन जैसे हमने पीछे स्पेल्स देखे कि लगातार स्नोफॉल एक्टिविटी रहा 4 से 5 दिन, ऐसी संभावना अब नहीं है जी, और में कमी आ जाती है क्योंकि रात से या अर्ली मॉर्निंग में क्लाउड्स आने शुरू होंगे, और कल दिन में जो है प्रदेश में जैसे लाहौल स्पीति किन्नौर शिमला के अपर एरिया और शिमला शहर में भी बादल आएंगे और हल्की बर्फबारी और बारिश की संभावना। सर टेम्परेचर में गिरावट दिन के तापमान में जरूर आएगी, और जो न्यूनतम तापमान है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं होगा, बल्कि थोड़े बढ़ेंगे, क्योंकि जब भी पश्चिम विक्षोभ का असर होता है तो क्लाउड्स आते हैं, उससे मिनिमम टेम्परेचर जो है न्यूनतम तापमान जनरली थोड़ा बढ़ते हैं, लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से राजीव की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइव टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी। हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजें अपना वीडियो 82198-00003 या 82198-00004।